तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप और आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। तो यार आज आप देख सकते हैं कितना सारा अंधेरा हो चुका है, क्योंकि यार आज थोड़ी शाम हो चुकी है। हम पकड़ लेते फिशेस, तो आपको मैं दिखाऊंगा यार हमने फैंसी फिशेस पकड़ी है। मतलब मुझे तो फैंसी लग रही है यार, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने पकड़ के रखी हुई हैं, वो बहुत ही प्यारी लग रही हैं यार वो फिशेज। तो मुझे आपको ही मैं आपको दिखाऊंगा यार, बहुत ही प्यारी फिशेज हैं। पहले हम हमारे कबूतरों को खोलते हैं और दाना खिलाते हैं, फिर मैं आपको फिशेज दिखाता हूं जो हमने आज पकड़ी हैं। इसलिए हम लेट हो चुके हैं, तो जल्दी से मैं क्या करता हूं कबूतरों को खोलता हूं। तो यार यहां पे देख लीजिए, यहां से ये वाले पिजन खोलता हूं, यहां से इनको खोलता हूं, यहां से इनको खोलता हूं, सबको जल्दी जल्दी खोल देता हूं। देख लीजिए ये सब आ चुके हैं। यहां पे अब डालता हूं इन्हें दाना, जिससे ये खा लें जल्दी से दाना अपना, और बढ़िया अपने अंडों वंडों को इनक्यूबेट करें। आया आ आ आया आ, और ये देख लीजिए सारे पिजन आ चुके हैं। और ये गेट खोल देता हूँ मैं, क्योंकि ये दाना खा के अंडों को इनक्यूबेट करने जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी भर लेता हूँ टंकी के अंदर से, धो के इसे थोड़ा सा वॉश करके हल्का सा, तो यहाँ से भर लेता हूँ। वैसे थोड़ा ये मेला हो गया है, मैं अच्छा वाला भर लेता हूँ इसके इनके अंदर से, जल्दी से भर लेता हूँ मैं। तो ये देख लीजिए यार मैंने पानी भर लिया है साफ़ वाला, और अब इन्हें रखता हूँ यहाँ पानी, यहाँ पे रख दिया है मैंने पानी। देख लीजिए कितने अच्छे से दाना खा रहा है यार। और ये बच्चे को भी देख लीजिए, दो बार निकला जैसा कि हमें बेचने वाले ने बताया था। और यहाँ पर यार हम थोड़ा थोड़ा मुर्गा मुर्गियों के लिए भी दाना डाल देते हैं। आज थोड़े से लेट हो चुके हैं हम। लो लो ये देख लीजिए दाना भी डाल दिया है मैंने। ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गेट लगा देता हूँ, थोड़ी देर बाद इन्हें पानी रख दूँगा दाना खाने के बाद। ये लकी पिजन ने पानी वानी पी लिया है। और यहाँ पे देख लिए हमारे मुर्गा मुर्गी तो आ चुके हैं ऊपर, और बंद भी हो चुके हैं, किसी ने कर दिए होंगे हमारे घर वालों में से। और ये देख लिए मुर्गा भी आ चुका है हमारा। और यहाँ पे अब मैंने इस बाल्टी के अंदर रखी फ़िलहाल तो अभी मछलियाँ, और फिर हम रखेंगे इन्हें कहीं और पर। तो देख लीजिए यार आपको नज़र आ रही होंगी, इतने साफ तरीके से नज़र नहीं आ रही होंगी यार। यहाँ पे हमारी फिशेज में आपको एक पकड़ के दिखाता हूँ, पकड़ाती है तो मुझसे यार इन्हें पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी कॉलोनी में ही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देख लीजिए यार कितनी प्यारी फिश है ये, इसका आप चेहरा देखिए, कल मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाऊँगा यार। ये देख लीजिए ये चली गई है पानी के अंदर, और ये छोटी छोटी फिशेज भी है यार। तो इनके लिए हम कल अच्छा सा कहीं एक परमानेंट जगह बनाएंगे इनके लिए। ये देखिए यार कितनी प्यारी फिश है ये देखिए इसका चेहरा देखिए आप, इसके फर देखिए यार, ऑरेंज ऑरेंज फर है इसके। तो इसे हम छोड़ देते हैं पानी में अभी, इनके लिए मैंने दाना भी डाल रखा है देख लिया अभी अभी इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं इसे अब रखते हैं यहाँ पे, और जल्दी से इनके लिए कल अच्छा सा सेटअप बनाएंगे, मतलब इनका बड़ा सा घर टप मप में रखेंगे इन्हें बढ़िया, और उसके अंदर पालेंगे इन्हें। देखते हैं कितने दिन बाद ये अच्छी बड़ी बड़ी होती है, इनकी ग्रोथ कब होती है। तो यार आज तो कबूतर मबूतर ने भी दाना लेट खाया है। यहाँ पे देख ली इतना अच्छा घोंसला बन चुका है इनका, और इनक्यूबेट भी कर रहा है अपने अंडों को। और यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों अंडे यहाँ पे रखे हुए हैं, ये भी अच्छे से इनक्यूबेट कर रहे हैं। और ये अंडा तो आपको पता ही होगा हमने फोड़ दिया है कल की वीडियो में, आप देख लेना। और यार मछली पकड़ते हैं, मेरी वॉच भी अभी यहाँ से टूट चुकी है देख लीजिए, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देख लीजिए हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ी है यार, ये कोई जाल मार लिया हमने, एक कपड़े की मैच से पकड़ी है इन्हें, एक उसके अंदर थी यार ये गड्ढे के टाइप के अंदर, तो बारिश में पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे घर के सामने। देख ली वहाँ पे एक नहर है वो आपको पत्तों के पास, शायद वहाँ से आ गई वो डैम में से कहीं ना कहीं से। और ये देख ली पानी वानी सब पी रहे हैं यहाँ पे कबूतरों ने यार, सब दाना माना भी खा लिया है। यहाँ पे फीमेल जा चुकी है वापस अंडों को इनक्यूबेट करने। तो यार मछलियाँ मुझे बहुत प्यारी लगी, मैं आपको एक दफ़ा और दिखाता हूँ। ये देख ली ध्यान से देखिए, ये सांस लेने ऊपर आई थी अभी अभी, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी लग रही हैं यार ये देखिए। और इनका साफ़ पानी भर देंगे अभी हम, तो यार थोड़ा गंदा हो चुका है, और इन्हें अच्छे बड़ी जगह में रखेंगे किसी। तो यहाँ पे हमारा बदख बंद है इसके नीचे पानी की वजह से, मैंने ये लगा दिया है, आज पानी भी आया था। तो हमने यार ये मछली पकड़ी, आप मुझे बताइए कौन सी नस्ल की मछली थी, और कल हम इनके लिए अच्छा सेटअप बनाएंगे। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।